जा रहे हैं इंडिया गेट शाम के समय हवा खाने के लिए। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आज। काफ़ी दिन से बहुत गर्मी हो रही थी दिल्ली में, और अब जैसे कि आप सभी को पता है बरसात का मौसम चल गया है और मौसम बहुत कूल हो रहा है आजकल। तो हमने सोचा आज हम घूम के आए, हवा खा गए थोड़ा ठंडी ठंडी। फ्रेंड हम इंडिया गेट, ये देखें इंडिया गेट का नज़ारा। हम अंदर को एंट्री करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मौसम हो रखा है, अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हमने दिल्ली में पहली बार हम आज शाम के टाइम आ रहे हैं। दिन में तो कई बार आए लेकिन आज हम आ रखे हैं शाम के टाइम। जय श्री आराम दोस्तों, मैं मंजू विष्ट प्रकृति प्रेमी अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड आज हम शाम के टाइम हैं इंडिया गेट ठंडी हवा खाने के लिए आए हैं। वैसे घर से हम निकल गए थे 4 बजे, हम गए थे बुराड़ी सासू माँ जी से मिलने के लिए, और उनकी वहाँ हमको फ्रेंड भी मिली, दादी लोग और भी मिले, उनके साथ हम 1-1.5 घंटा बैठे और उसके बाद हम आगे इंडिया गेट के लिए। तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ हवा अच्छी चल रही है, अब काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी मतलब मौसम जो है मई जून में दिल्ली में काफ़ी गर्मी होती है, तो हमने सोचा थोड़ा ठंडी हवा खाएं और देखें। आप लोगों को दिखाती हूँ इंडिया गेट का सुंदर सा नज़ारा, बने रहे आप लोग मेरी वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर नज़ारा, इधर काफ़ी लोग आ रखे हैं इधर अभी शाम के टाइम, और ये देखिए इंडिया गेट का नज़ारा, वाह कितना सुंदर लग रहा है। देव जी भी काफ़ी खुश हो रहे हैं, यहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही है अभी। देखिए फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच गए इंडिया गेट, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल में इंडिया गेट बहुत ही फेमस स्मारक है। पहले इसका नाम राजपथ था, अभी कुछ नाम चेंज कर दिया, मैं आगे जाके आपको नाम अपडेट करूँगा इसका भी, नाम क्या है मैं भी थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, आपको पूरा अपडेट करूँगा आगे जाके। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर, आगे बनते रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको आगे का सीन दृश्य। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत दिन से सोच रहे थे कि शाम के टाइम हम इधर एक शाम इधर गुजारें, तो आज मौका मिला, भगवान ने आज एक मौका दिया कि इधर शाम के टाइम घूमने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा दृश्य, सुनहरा मौसम, सुहावना मौसम हो रहा है। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा, बहुत बहुत पब्लिक आ रखी है, ये वाकई में शाम के टाइम ही यहाँ पे खूब भीड़ होती है। 7 मतलब अंधेरा होने से बाहर मौसम ठंडा हो जाता है, तो मोस्टली लोग शाम के टाइम यहाँ पे आते हैं। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा सजा रखा है, लाइटिंग से यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन अच्छा हो रखा है, पब्लिक काफ़ी है, बहुत भीड़ है, जहाँ भीड़ होती है वहीं पर देखने सुनने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इंडिया गेट का, दिन में तो हम कई बार आए हैं लेकिन इवनिंग टाइम में आज पहली बार आए हैं। वाइफ ने बोला आज चलो, बहुत दिन से तमन्ना थी लेकिन आज ही फाइनली मौका मिला आने का। बहुत सुंदर, बने रहे हमारे साथ, आगे आपको आगे का दृश्य दिखाते रहेंगे। जय हिंद। ये देखिए यहाँ पर पिछले साल से मोदी जी के राज में सुभाष चंद्र बोस, हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर सलाम है ऐसे वीर सपूत को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और इनसे एक प्रेरणा स्रोत है हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए। बहुत ही सुंदर, मोदी जी को भी धन्यवाद, पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा लग रही है। जय हिंद जय भारत। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के ठीक सामने है इंडिया गेट, बहुत ही सुंदर दृश्य। देखिए रात का नज़ारा यहाँ पे, कितनी पब्लिक है, बहुत सुंदर। जो हमने
टाइम लगाया बहुत ही, आने में तो काफ़ी जाम था, लेकिन फाइनली यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको यूट्यूबर मंजू बिष्ट को देता हूँ, ये अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए फ्रेंड, चारों तरफ का इंडिया गेट का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। अभी बहुत ही सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है, अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है। और लोग देखिए इधर कितना अच्छा खासी मतलब रस हो रखा है। अभी ये देखें, दिन में तो हम कई बार आए यहाँ पे, लेकिन रात के समय पहली बार ही आ रखे इधर। पतिदेव जी आज फूल नहीं समा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी मतलब हमारे इधर तो काफ़ी मतलब गर्मी गर्मी हमारे उधर क्या सारे दिल्ली में ही गर्मी है, लेकिन अब बरसात शुरू हो गई तो इसलिए काफ़ी अच्छा मतलब मौसम हो गया है सभी जगह का। ये देखें, रात का सीन तो मैं भी आज पहली बार ही देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। ये देखें कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा। करो फिर, पतिदेव जी भावना को फ़ोन मिला रहे हैं, कह रहे ये वाला सीन भावना को भी दिखाते हैं। देहरादून फोन मिलाया जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, भारत का गौरव इंडिया गेट। इंडिया गेट जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता था, नई दिल्ली में स्थित एक विशाल स्मारक है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। इसका डिजाइन पेरिस के आर डी ट्रायम्फ से प्रेरित है और इसे सर एडविन लुटियंस ने बनाया था। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है, जो देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि है। यह स्मारक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और देश के हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप दिल्ली आते हैं तो फ्रेंड, इंडिया गेट जरूर देखें और वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। घूमेंगे इंडिया गेट के चारों तरफ तो देख के आते हैं कैसा नज़ारा है। और कर्तव्य पद एक नया नाम, एक नई पहचान। तो फ्रेंड, जैसे पतिदेव जी कह रहे थे कि इसका नया नाम रखा गया है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, इसका नाम बदल के कर्तव्य पद रख दिया गया है। पहले इस सड़क को राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब सुनिए क्यों बदला गया है इसका नाम। गुलामी के निशान मिटाने राजपथ नाम ब्रिटिश शासन काल का था, इसलिए इसे बदला गया। इसे बदलकर कर्तव्य पथ करने का मकसद देश की आज़ादी और स्वाभिमान को दर्शाना है। नए भारत के प्रतीक कर्तव्य पथ नाम देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। यह एक नए भारत का प्रतीक है जहां हर नागरिक देश के विकास में योगदान देता है। ये देखिए फ्रेंड, कितनी पब्लिक है इधर, काफी इधर ज्यादा पब्लिक दिख रही है, सब फोटो वीडियो बना रहे हैं सब यहाँ पे अभी। ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है अभी इंडिया गेट का,
तो फ्रेंड, इंडिया गेट की रात की खूबसूरती देखे आप लोग। इंडिया गेट रात के समय एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। इसकी रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमगा उठता है। अमर जवान ज्योति की चमक और भी साफ दिखाई देती है। शांत वातावरण, सुंदर हवा, सुंदर इधर वातावरण देखे और लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं इधर फोटोग्राफी करने के लिए, और जैसे कि हम लोग आए हैं। इतनी अच्छी हवा चल रही है इधर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही शांत वातावरण इधर देखे, मन भावन इधर अभी मौसम हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा रात का सीन दिखे इंडिया गेट का। ये देखिए फ्रेंड, इंडिया गेट का बहुत ही सुंदर दृश्य। कितनी पब्लिक, कितना रश है यहाँ पे, बहुत ही, क्योंकि मौसम इस समय बड़ा सुहावना है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और चारों तरफ का देखिए, इधर से हम आपको दिखाते हैं, वहाँ सामने फाउंटेन है, पूरे पार्क है, पार्क में लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इसका सीधा ठीक अपोजिट हमारा राष्ट्रपति भवन है। बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से हम लोग उसको, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे पार्क में काफ़ी रौनक है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज दिन में तो हम कई बार आए हैं, लेकिन शाम के टाइम आज पहली बार आए हैं। ये बीवी का ही सुझाव था, पत्नी जी का, हमारा धर्म पत्नी जी का, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। अब आपको इंडिया गेट के सामने का फ्रंट तो दिखा दिया व्यू, अब आपको हम दिखाते हैं इधर से। ये एक्चुअली स्क्वायर में है, यहाँ से लग रहा है कि सिंपल सा गेट है, लेकिन अगर आपको हम सामने से जाएंगे, सामने से हम आपको दिखाते हैं इसका इधर का व्यू, साइड का भी। जैसे गेट मतलब इधर से है, तो ये साइड से भी सेम व्यू है। इसमें चारों तरफ से मतलब आपको सेम व्यू दिखेगा। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके आज? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा जी। अभी हमको आइसक्रीम खाने को नहीं मिली, क्योंकि आइसक्रीम वालों को अंदर अलाउड नहीं है, तो हम बाहर गेट पे, बाहर एग्जिट करते समय मिलेंगे, वहीं से आइसक्रीम लेंगे और फिर घर को चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसको रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है जो फ्रंट व्यू है, वही सामने से भी इसमें गेट है। मतलब इसी तरह से ये ऐसा लग रहा है फ्रंट से कि ये सिंपल सा गेट है, बट इधर देखिए अब ये इधर से भी सेम व्यू है, चारों तरफ से मतलब इसका ऑलमोस्ट सेम व्यू है। ये देखिए बहुत ही सुंदर मनभावन दृश्य। इधर आप फाउंटेन भी आपको सामने दिखाएंगे हम इधर। ये देखिए ऐसे इधर से भी है, और सेम चीज़ आपको चारों तरफ से ऐसे दिखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे पूल भी है, वाटर पूल, और आपको ले जाते हैं फाउंटेन की तरफ। यहाँ पर भी लोग फाउंटेन का लुफ्त लेते हुए। फ्रेंड, इधर फुहारा, और फुहारे के ठीक सामने इंडिया गेट। वाओ, कितना सुंदर दृश्य। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य। देखने ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर व्यू। वाओ,
देखिए फ्रेंड कितने अच्छे इधर फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक सीन हो रहा है अभी शाम का। ये देखिए कितने अच्छे में इधर, ये देखिए कितनी सुंदर इधर प्लांटिंग कर रखी है, बहुत सुंदर। ये वाला सीन तो हमने पहली बार देखा, बीच में फुहारा, बहुत सुंदर फुहारा देखिए मल्टी कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये वाला सीन तो हमने आज देखा पहली बार, आए तो कई बार लेकिन देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा अभी शाम के टाइम का। जो यहाँ का सीन है वो तो देखने लायक है, और मैं भी काफ़ी बार यहाँ पे आई हूँ और दिन में आई, लेकिन शाम का जो व्यू मनमोहक दृश्य दिखने को मिला मुझे, मैंने सोचा नहीं था ऐसा दृश्य होगा। ये देखिए कितना सुंदर, और आप सब लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर इस मौसम का आनंद लें। और शाम का समय है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है इधर, और देखें कितना सुंदर यहाँ से यहाँ का व्यू। और रात के 9:30 बजे अभी हैं, अभी 9:30 बज रखे रात के, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है इधर। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं अब बरसात शुरू हो गई है और मौसम पहले से काफ़ी ठंडा हो चुका है, और देखिए आप लोगों को इसी तरह से मैं नई नई जगह दिखाती रहूँगी, क्योंकि गर्मी में तो कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता गर्मी की वजह से। और ये देखें पहाड़ जाऊँगी, अपने उत्तराखंड अगर जाऊँगी तो आपको उत्तराखंड की नई नई जगह दिखाऊँगी, और दिल्ली में नई नई जगह आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ्रेंड उम्मीद करते हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय सियाराम। एंड अब फाइनल आप लोगों को इंडिया गेट का, अब हमारी तैयारी हो रही घर जाने की, और यह इंडिया गेट का शाम का सीन। तो फ्रेंड रात के बज चुके हैं 10, अब हम जा रहे हैं घर को, और काफ़ी हमने यहाँ पे एंजॉय करा, काफ़ी अच्छा लगा हम दोनों को। और तो फ्रेंड ऐसी वीकेंड में आप लोगों को मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो दिखाती रहूँगी, और ऐसे ही दर्शनीय स्थलों को दिखाती रहूँगी आप लोगों को। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय सियाराम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हम खाएंगे बाहर से आइसक्रीम। फ्रेंड इतने सुंदर फ्लावर। हेलो।